इसके फरिश्ते भी नहीं कर पाएंगे बाहर कराची से बाहर। बात आवाम एमक्यू वोटरों की तादाद में एमक्यू के जानेदारान अपने कायद की आवाज पे अपनी कौम के ऊपर जो है वो जान देने के लिए जो है वो तैयार है। इन जैसे लोग इस लैंग्वेज को एमक्यू के खिलाफ बात करके सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये जो है वो आगे किसी ये कराची से आकर गुजर भी जाएंगे। अगर आप मेरी दोनों बात सुन लें, मुस्तफा कमाल साहब आपने कहा कि थोड़ी देर माइक बंद करें, मैंने माइक बंद किया। अब मैं आपसे एक खुदारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज, लाखों करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, आपके मद्दा हैं, आपके इस इंसान को समझाओ जैस्मीन, इस इंसान को समझाओ कि ये पॉलिटिकल वर्कर बने, जानवर ना बने। ये मेरे कायद के ऊपर बात करेगा इसकी मैं अभी मैं क्या बोलूं आपको, ये लाइव जा रहा है, मेरे कायद के ऊपर बात करेगा तो अभी कोई लिमिट नहीं है। फिर दूसरे के कायद ने फिर जानवर बना हमारा देखा नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब, इंसान का बच्चा बन के बैठे, ये पॉलिटिकल बात कर रही है। कल मैंने ख्वाजा साद रफी के साथ तीन प्रोग्राम किए किसी हॉट इश्यूज पे, बताएं कि एक दफा भी बदतमीजी हुई है वहां पे, इसलिए वो इंसानों की तरफ बात कर रहे थे। किस चुड़े के हाथ आपने लाके बैठा रखा है, जाहिल आदमी है ये। सर दे आर अपसेट, सही कादरी साहब, आई वांट यू टू बी क्वाइट फॉर अ सेकंड, प्लीज काइंडली लिसन टू माय क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। इसने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा है कि मैं एयरपोर्ट से बात, अगर ये बात करेगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ये बात करेगा तो फिर ये मैं बताता हूँ। लूका पट्टा, अरे मुस्तफा कमाल साहब आप क्या कर रहे हैं, क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं आप सर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, प्लीज काइंडली। मैं खाली आपसे ये सवाल कर रही थी कि जब हैदर अब्बास रिज़वी ने, जब प्लीज यार खामोश हो जाए खुदा का वास्ता, व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीपल। मैं ये कह रही थी मुस्तफा कमाल, इसने खुद कहा है कि मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दूंगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी, कोई किसी को नहीं रोकेगा, सब पुरमन हो जाए। ये रोकते हैं भाई, तुम अगर ऐसी लैंग्वेज करोगे तो पंजाब में लोग तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं आने देंगे। अच्छा, तुम अगर ये लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें तुम्हारे घर, पंजाब में तुम्हें तुम्हारे घर से नहीं निकलने देंगे लोग। हाजी दिल साहब मुझे फरमा दीजिएगा, आप सीनियर ज़ैन कादरी साहब सुन लें, तुम घर में आओगे मेरे, यार आप आएंगे तो पर्सनल धमकियां दे रहे हैं फॉर गॉड सेक। मैं तो बदमाश हुई नहीं, मैंने तो कोई धमकी नहीं दी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये किसी को एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देते। मैं तो बदमाश हुई नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि तुम जो है वो ये लैंग्वेज रखोगे तो तुम अपने घर से बाहर नहीं आ पाओगे जहाँ रहते हो। तो मुस्तफा कमाल साहब, ये मैं कह रहा हूँ, जहाँ पंजाब में रहते हो तुम वहां से बाहर नहीं आ पाओगे, अपने घर से बाहर निकल पाओगे। मैं यही, तुम्हारी अगर ये लैंग्वेज रही मेरे कायद के खिलाफ, किरदार बता दिया, ज़हीम कादरी साहब किरदार है, ज़हीम कादरी साहब तुम जैसे है बदमाश, हम तुम जैसे बोलिए है बदमाश हम। ठीक है, मुझे खाली ये बता दीजिए मुस्तफा कमाल, मैं आपसे पूछना चाहिए, मुझे सवाल पूछने देना, आप एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के कायदीन को जरा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मैंने तो कुछ नहीं कहा, बहुत बदमाशी कर रहे हैं, मैं घर में मरवा दूंगा, ये किलर्स हैं। ओके प्लीज बी क्वाइट मुस्तफा कमाल साहब, व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू वाज कि अचानक क्या हो गया ऐसा कि चौधरी निसार साहब का आई थिंक मुंह तोड़ जवाब दे दिया था हैदर अब्बास रिज़वी साहब ने, डोंट यू थिंक वसीम अख्तर साहब वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड, दैट्स माई क्वेश्चन। देखिए, अगर कोई जवाब देने पे जाएगा तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई जो है वो शायद जो है वो थोड़ा सा लिटिल ओवर चला जाए। okay. लेकिन जैस्मीन, शुरुआत को देखो ना, आपके शुरुआत का, हमने तो मुजफ्फराबाद में जाकर जो है वो पार्टी के मंशूर को डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर एमक्यूएम डिस्कस कर रहे हैं, इस लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद भी देखिए जो इनके दूसरे रहनुमा आए, मैं आपको बता रहा हूं, कल ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ मेरे तीन प्रोग्राम्स हुए, लाइव प्रोग्राम्स चले तीन प्रोग्राम, उन्होंने बिल्कुल इंसानों की तरह बात की है, उन्होंने जेन्युइन बात की है, मैंने जो उनकी बातों को इंडोर्स किया, जवाब ही नहीं दिया उनकी बातों का, ट्रस्ट मी, आए मेरी उस पूरी कन्वर्सेशन में मैं यही कहता रहा हूं कि जो ख्वाजा साद रफीक कह रहे सही कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप चौधरी निसार साहब की आप लैंग्वेज देखें कि आप जो वो बात क्या कर रहे हैं, वो मेरे डायरेक्ट मेरे कायद के घर की बात कर रहे हैं, मेरे कायद की पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं मीडिया के ऊपर आके, तो यार आप तो या तो आप बहुत शुरफा हो, या तो आप बहुत पारसा लोग हो, या तो आप बहुत ही जो है वो बड़े अच्छे फरिश्ते लोग हो, तो ये बातें करो। तुम्हें तुम्हें क्या, तुम्हारे क्या जहन में कि हमारे मुंह में जुबान नहीं है,
हम लोग क्या लोग मरना चाह रहे क्या ताप भाई चाहने वाले नहीं है जवाब गया। अब जिस लैंग्वेज में ये बात कर रहा है जिस टोन में ये बात कर रहा है मैंने तो बात नहीं की थी। अगर आप मुझसे पहला सवाल करती तो खुदा की कसम मेरा ये लहजा ही नहीं होता। बिल्कुल आप मैं तो बहुत मैं तो बैठा नहीं हूँ। इसने डायरेक्ट मेरे कायद के ऊपर बात की है। इसने डायरेक्ट मेरे कायद को जो है वो बुरा बोला है डायरेक्ट। तो मैंने तो नवाज शरीफ के लिए बुरा बोलने के लिए नहीं फिर ऐसी होगी कि फिर आप हमसे इस चीजों में नहीं जीत सकते। डायरेक्टली कर लीजिएगा जी डॉक्टर साहब आप कहा का लगता है काम का चैनल है ठीक है और लाखों लोग देख रहे हैं इनकी जाति गुफ्तगू को आप इनकी किसी जाति अच्छा, सॉरी ये जाति गुफ्तगू डॉक्टर साहब भाई आपकी गलतफहमी ना हो गई है। ये दो बड़ी पार्टीज हैं इस मुल्क की। एक पार्टी के वजीर आजम रह चुके हैं मुल्क के दो दफा और एक की पार्टी की वजह से सबसे बड़ी आपकी कोलेशन पार्टनर है जिसकी वजह से आप बहुत बड़ी तब्दीली करने जा रहे हैं वफाक में या सिंध में। मैं खाली ये पूछना चाहती हूं कि आप क्या समझती हैं ये क्या क्यों शुरू हुआ मियार साहब ने जो मुजफ्फराबाद में इनके खिलाफ बातचीत शुरू की इसलिए। देखिए बात ये जैस्मीन के पॉलिटिकल लीडर्स स्टेटमेंट्स देते हैं एक दूसरे की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं ठीक। और पाकिस्तान में चूंकि जो रवायती सियासत रही इस सियासत का सबसे बड़ा हिस्सा ये रहा कि चूंकि पंजाब की सियासत का कल्चर है भड़क का और भड़क के साथ जो लीडर ज्यादा बढ़ के मारता है वो ज्यादा हिट होता है क्योंकि पंजाब में मूवी भी वही हिट होती है जो जिसमें नूरी नाथ और मोला जट जैसी बढ़के दिखाई गई। नहीं तो मियां साहब ने बढ़के मारी है। मियां साहब की तरफ से जो मुजफ्फराबाद में बढ़क उठी उसने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। और आप ये देखें कि ओवरऑल शायद किसी और पॉलिटिकल पार्टी के मुताबिक स्टेटमेंट वो देते तो वो शायद उस तरह से रिएक्ट ना करती। MQM का एक अपना मिजाज है और MQM ने जो रिएक्शन दिया वो मैं समझती हूँ कि ओवर रिएक्ट कर गए। आज जो पार्लियामेंट के बाहर जो रिएक्शन दिया गया और अभी चैनल्स पे आप जो रिएक्शन सुन रहे हैं देखिए ये घरदारी तक जाना और बेटियों को और जाती मामलात को सियासत के अंदर की सीट के ले आना और जाति किरदार कुशी पे उतर आना ये सियासत का हुसन नहीं है। सियासत के अंदर सियासी अंदाज के अंदर चलना है और इन दोनों को आप कहें कि एक दूसरे की पॉलिसीज पे डिस्कशन होना भी यही चाहिए मैनिफेस्ट होना भी यही चाहिए। एक छोटा सा नाज़रीन वक्फा लेना पड़ेगा हमें इमीडिएटली। हेड एंड शोल्डर्स दुनिया का नंबर एक एंटी डैंड्रफ शैंपू। पेप्सी वही भरपूर मजा सिर्फ 15 रुपए में। ये हैं दो मशहूर पाउडर लगाते हैं सख्ता ये इनका और ये आलू बुखारे। कपड़े के किए दो हिस्से एक को धोते हैं ए से दूसरा बी से। अब देखते हैं दोनों ने की एक ही सफाई। पाउडर ए कीमत 199 रुपए।